आप लोग फ्री फायर इतने दिनों से खेल रहे हो एंड कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि फ्री फायर में पहला आईडी किसका रहा होगा, मतलब कौन सा बंदा होगा जो फ्री फायर को सबसे पहले खेला होगा। एंड बहुत बंदे सोचते हैं कि गाइस ये आईडी फर्स्ट आईडी है फ्री फायर में, तो गाइस आप लोग बिल्कुल गलत हो, ये आईडी फर्स्ट आईडी नहीं है। तो दिल थाम के बैठिए गाइस, मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ फर्स्ट आईडी फ्री फायर का, जो की एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस आईडी है। उसके साथ ही आज हम लोग गाइस टॉप 5 वर्ल्ड्स लकीएस्ट आईडी के ऊपर बात करने वाले, जो की बहुत ही ज्यादा लकीएस्ट पर्सन है, मतलब इन 5 प्लेयर से लकीएस्ट बंदा कोई हो ही नहीं सकता फ्री फायर में। बट उससे पहले भाई लोग, अगर कोई भी बंदा हमारे चैनल पर न्यू आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर लेना। एंड अगर मेरे से बात करने का मन है तो डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आते हैं हमारे गाइस टॉप 5 नंबर लिस्ट में जो वर्ल्ड्स लकीएस्ट आईडी है, ये आईडी है गाइस एक पाकिस्तानी प्लेयर का। एंड इस प्लेयर को गाइस सीजन 1 से लेके आज तक के जितने भी इलाइट पासेस है सब इलाइट पास गाइस फ्री में मिला था मेल बॉक्स पे। एंड ये मैं कुछ दिनों के पहले ही बताया था आप लोगों को शायद। एंड गाइस ये बंदा इतना लकी है कि इस बंदे को सारे इलाइट पासेस गाइस एंड मतलब बहुत सारे रेयर आइटम जो कि फ्री फायर में है सब कुछ इसको रिसीव हो गया था, वो भी फ्री में, बिल्कुल ही फ्री में गाइस, बिल्कुल ही फोकट में गाइस इस बंदे को रिसीव हो गया था। इस बंदे ने गाइस एक कॉन्टेस्ट जीता था, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान में चल रहा था उस समय। वो कॉन्टेस्ट जीतने के कारण गाइस इस बंदे को सारा इलाइट पास, मतलब फ्री फायर में आज तक जितने भी इलाइट पास आए सारे इलाइट पास गाइस इस बंदे को फ्री में मिल गया था। गाइस ये बंदे से मतलब कितना ज्यादा लकी बंदा है समझ रहे हो, अगर मैं इसको 5 नंबर पे रखा हूं तो समझो गाइस 1 नंबर पे, टॉप 1 नंबर पे, ऐसा लकी बंदा है जिसे देख के आप लोग शौक हो जाओगे, मतलब समझ रहे हो गाइस सीजन 1 से लेके आज तक के जितने भी इलाइट पासेस है। एंड ऊपर से गाइस वो जो रेयर आइटम लाइक ब्रेक डांसर बंडल वगैरह वो भी गाइस रिसीव हो गए इस बंदे को, समझ रहे हो मतलब कितना ज्यादा लकी इस बंदा हो सकता है ये। बट गाइस ऐसे कॉन्टेस्ट इंडिया में हमारे नहीं आते, ये मतलब स्पेशली पाकिस्तान सर्वर में आया था, ठीक है, उस समय पे। एंड गाइस ये बंदे जीत लिया था ओलंपिक कॉस्ट्यूम, इसके कारण से गाइस इस बंदे को हर एक इलाइट पास मतलब फ्री में दिया गया था गरीना के द्वारा, क्योंकि इसने गाइस ऑल इलाइट पास कॉस्ट्यूम जीता था। एंड उसमें बहुत सारे चीजें भी थे, मतलब गाइस यहाँ पे ऑल क्या बोलते हैं गाइस पेट भी थे, ठीक है, ऑल कैरेक्टर भी था। बट गाइस इसने ऑल इलाइट पास कॉस्ट्यूम जीता इसीलिए इसको ऑल इलाइट पास मिल गया, समझ रहे हो। टॉप 4 नंबर वर्ल्ड्स लकीएस्ट आईडी जो की है गाइस, इस बंदे का आईडी का नाम है R3D Peto S2 जैसा। एंड गाइस लेवल देख सकते हो 30। एंड गाइस इस बंदे ने 100,000 बैजेस खरीदे हैं, ठीक है, एक सीजन। एंड गाइस मैं बता दूं इस आईडी में क्या खासियत है, इस आईडी में गाइस ये खासियत है कि ऐसा कोई चीज ही नहीं है फ्री फायर के अंदर जो इसके पास ना हो, मतलब समझ रहे हो, सब कुछ गाइस A to Z आप लोगों को अवेलेबल देखने के लिए मिलेगा, हर एक चीज। अगर कोई इनक्यूबेटर आ रहा है तो गाइस वो तीनों के तीनों इनक्यूबेटर निकाल लेगा, मतलब सारा कुछ निकाल लेगा, समझ रहे हो, ऐसा कोई चीज ही नहीं छोड़ता गाइस ये बंदा, सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मतलब गाइस जो क्रिमिनल हो गया आप लोगों को सारा क्रिमिनल देखने के लिए मिलेगा, जो इलाइट पास हो गया गाइस आज तक के जितने भी इलाइट पास आए सारे इलाइट पास देखने के लिए मिलेगा, मतलब गाइस मैं बता रहा हूँ ना ऐसा कोई चीज ही नहीं है फ्री फायर के अंदर जो इस बंदे के पास ना हो। एंड भाई मैजिक क्यूब देख सकते हो, 1400 मैजिक क्यूब है। एंड उसके साथ ही गाइस बंडल्स, कुछ कुछ बंडल्स तो ऐसे हैं जो गाइस बंदे ने ओपन ही नहीं किए, समझ रहे हो, मतलब इतना रेयर रेयर बंडल अभी भी इस बंदे के पास अवेलेबल पड़ा हुआ है जो बंदे ने ओपन ही नहीं किया। तो गाइस इससे पता चलता है कि गाइस ये बंदे का कितना लकी इस बंदा हो सकता है ये, क्योंकि गाइस इसको मैंने इसीलिए टॉप 4 पे रखा। तो गाइस समझ लो मतलब आगे क्या का धमाका होने वाला है, और भी ऐसे बहुत सारे लकी सा अकाउंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जिसे देखने के बाद आप लोग पूरा शौक हो जाओगे गाइस, क्योंकि ये जो मतलब अकाउंट है ना दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को बहुत टॉप में आता है, समझ रहे हो, ये सब मतलब गाइस इससे ज्यादा लकीएस्ट अकाउंट हो ही नहीं सकता। ये जो 5 अकाउंट आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, इन 5 अकाउंटों में से गाइस आप लोगों को कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं मिलेगा पूरे फ्री फायर में जो गाइस इससे ज्यादा लकीएस्ट हो। एनीवेज गाइस आप मेरे को बताना इस बंदे का आईडी आप लोगों को कैसा लगा। अब आते हैं हमारे टॉप 3 नंबर वर्ल्ड्स लकीएस्ट आईडी के ऊपर। एंड गाइस ये बंदे का आईडी आप लोगों को नॉर्मल लग रहा होगा देखने में, लेकिन गाइस जैसे आप लोग क्लिक करोगे नाम देखो मम्मी इवा है गाइस, लेवल लाइक आप लोगों को सब कुछ नॉर्मल देखने के लिए मिलेगा। लेकिन गाइस सबसे यहां पे शॉकिंग बात इसका यूआईडी देखो भाई, यूआईडी देखो मतलब सिर्फ 1111 यूआईडी है, समझ रहे हैं गाइस। उसके साथ ही एंजेलिक पेंड भी है इसके पास। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं ये आईडी मतलब बहुत ही ज्यादा लकी आईडी है, क्योंकि इसका यूआईडी इतना ज्यादा लकी है, देख सकते हो भी बैज भी अवेलेबल है गाइस इसके पास। बंदे इसका गाइस यूआईडी देखकर ही शौक हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब लकी यूआईडी देख सकते हो, फर्स्ट डिजिट का गाइस 8-digit नंबर, मतलब इससे बड़ा लकी यूआईडी क्या हो सकता है मेरे को बताओ। सबसे ज्यादा तो लकी यही है गाइस, बाकी सब तो आप लोगों को नॉर्मल देखने के लिए मिलेगा।
एंड बहुत सारे बंदे ये भी बोलते हैं कि गाइस ये जो बंदा है मतलब फर्स्ट यूआई फर्स्ट आईडी है फ्री फायर में, ठीक है। तो गाइस आप लोग गलत हो, ये फर्स्ट आईडी नहीं है फ्री फायर में। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फर्स्ट आईडी फ्री फायर में कौन सा है, किसका है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जो भी बोलो गाइस, ये आईडी भी टॉप 5 वर्ल्ड्स लकीएस्ट आईडी के अंदर ही आता है। तो गाइस इससे मतलब लकीएस्ट बात क्या हो सकता है, बहुत ही ज्यादा ओपी। आप लोगों को कैसा लगा गाइस मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। अभी गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टॉप 2 नंबर्स वर्ल्ड्स लकीएस्ट प्लेयर के ऊपर। एंड गाइस ये लकीएस्ट प्लेयर तो नहीं बोल सकते गाइस, ये बहुत ज्यादा मेहनती प्लेयर बोल सकते हो। इस बंदे का फोटो देख सकते हो आप लोग, डीएस पेड्रो इस बंदे का नाम था, लेकिन आज के समय पे इस बंदे को कोई भी याद नहीं करता। एंड गाइस मैं बता दूं, इस बंदे ने ऐसा चीज अचीव किया है जो फ्री फायर में कभी कोई नहीं अचीव कर सकता, जो कि ये सीजन 2 पूरा सीजन ग्लोबल रहा है। एंड गाइस उस पोजीशन से इस बंदे को कोई नहीं हटा पाया था, समझ रहे हो। सीजन 2 पूरा सीजन गाइस ग्लोबल, सीजन 3 भी पूरा सीजन ग्लोबल, मतलब सीजन 2 एंड सीजन 3 गाइस टॉप ग्लोबल प्लेयर था, ये टॉप 1 ग्लोबल प्लेयर था, समझ रहे हो। जब उस टाइम पे बंदे गाइस हीरोइक जाने से भी मतलब नहीं जा सकते थे, तब गाइस ये बंदा ग्लोबल करके बैठा था। तो गाइस इससे पता लगा सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा मतलब हार्ड वर्किंग बंदा था उस समय पे, ठीक है। लेकिन अभी गाइस ये बंदा गेम खेलना छोड़ चुका है गाइस। उस टाइम पे ये बंदा मतलब अपना जो कि YouTube चैनल भी खोला था, बट ऑडियंस इतना ज्यादा नहीं था, इसी वजह से मतलब उसका चैनल भी नहीं चला। बट गाइस यहाँ पे देख सकते हो ब्राजील सर्वर से हम जैसे ही इस बंदे का सर्च करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अभी ये बंदा गाइस आईडी, ठीक है, ये यूआईडी गाइस, यानी ये प्लेयर का आईडी जो कि इतना ज्यादा लकी है ना, क्योंकि इस बंदे का आईडी जैसा कोई आईडी है ही नहीं फ्री फायर में, मतलब समझ रहे हो। सीजन 2 पूरा सीजन ग्लोबल, एंड इस बंदे का प्लेस गाइस कोई भी नहीं ले सकता। जितना भी लेजेंड प्लेयर आ जाए फ्री फायर में, जितना भी प्रो प्लेयर आ जाए, कोई भी नहीं ले सकता गाइस इस बंदे का प्लेस, क्योंकि इस बंदे ने ऐसा लेगेसी बिल्ड करके गया है जो कि वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल प्लेयर, समझ रहे हो। वर्ल्ड गाइस, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं यहां पे, फ्री फायर में जितने भी सर्वर है गाइस, सब सर्वर को पहले तो ग्लोबल हुआ करता था, पूरे वर्ल्ड में गाइस इस बंदे ने सबसे पहले ग्लोबल हिट किया था टॉप 1 पोजीशन में। एंड टॉप 1 पोजीशन गाइस, पोजीशन से इस बंदे को कोई हटा ही नहीं पाया था। तो इससे समझ लो गाइस इस बंदे ने कैसा मतलब हिस्ट्री बना के गया है पूरे फ्री फायर में। लेकिन आज गाइस मेरे हिसाब से कोई भी बंदा इसको नहीं याद करता है, ब्राजील के खुद प्लेयर भी नहीं याद करते इसको, क्योंकि ये गाइस बंदा मतलब गेम खेलना भी छोड़ चुका है, ठीक है। एंड गाइस सुनने में ऐसा आया था कि ये बंदे ने अपना आईडी वगैरह बेच दिया था, ठीक है, मतलब सब कुछ छोड़ दिया था, गेम एंड यूट्यूब। तो गाइस इस बंदे ने अपना आईडी भी सेल कर दिया था। एंड गाइस जो बंदा इसको खरीदा था वो बंदा भी अभी गेम नहीं खेलता, मतलब उसने भी गेम छोड़ दिया है। लेकिन गाइस ये आईडी अगर जिसके पास भी होगा ना, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा लकीएस्ट पर्सन फील करेगा, क्योंकि गाइस इस बंदे के अंदर मतलब इस आईडी के अंदर ऐसा चीज है जो फ्री फायर में कभी कोई नहीं दोबारा दोहरा सकता है। तो एनीवे साथ है हमारा टॉप 1 नंबर वर्ल्ड्स लकीएस्ट आईडी फ्री फायर में, जो कि है गाइस फ्री फायर का पहला आईडी। बहुत सारे बंदे को नहीं पता होगा फ्री फायर का पहला आईडी कौन सा है, किसका है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्री फायर का पहला आईडी का गाइस आईडी यूआईडी ये है, ठीक है। एंड गाइस ये आईडी जो कि है ना फ्री फायर का फर्स्ट आईडी है, मतलब इस बंदे ने फ्री फायर में फर्स्ट आईडी बनाया था, उसके बाद ही बंदे ने आईडी बनाना स्टार्ट किया, मतलब अकाउंट बनाना स्टार्ट किया ऑब्वियसली। लेकिन गाइस ये बंदा जो कि है अभी गेम खेलना तो पूरी तरीके से छोड़ चुका है, लेकिन गाइस ये बंदे का जो कि आईडी है ना फर्स्ट आईडी है फ्री फायर में, समझ रहे हो। जो भी गेम बंदे खेलते हैं उसका कोई ना कोई मतलब फर्स्ट यूजर रहता ही है, तो ये भी बंदा गाइस फर्स्ट यूजर है फ्री फायर का, एंड शायद ही इसको कोई बंदा आज जानता होगा। लेकिन गाइस इस बंदे का जो कि आईडी है ना इतना ज्यादा लकी है, इतना ज्यादा लकी है, मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि फ्री फायर का अगर पहला आईडी आपके पास हो, मतलब फर्स्ट आईडी आपके पास हो, तो आप कितना ज्यादा लकीएस्ट फील करोगे। सबको बताते फिरोगे कि भाई मेरे पास फ्री फायर का पहला आईडी है, मतलब फर्स्ट आईडी है। गाइस अगर आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा तो गाइस आप इससे नीचे डिजिट मार के देखना, फ्री फायर में कोई भी यूआईडी नहीं आएगा, ठीक है। यही गाइस फर्स्ट आईडी है फ्री फायर में, इसके बाद ही आप लोग कोई भी डिजिट अगर एंटर करोगे तभी आईडी आएगा, इससे पहले कोई भी डिजिट वाला आईडी आएगा ही नहीं। एनीवेज आप लोगों को कैसा लगा गाइस ये चीजें जानकर, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताना है। गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड